हेलो वॉचर्स, मैंने सोचा गाइस कि मैं इंडियन 2 को नटशेल में लाने ही वाला हूँ, तो क्यों ना उससे पहले पार्ट 1 हिंदुस्तानी को एक्सप्लेन कर दूं अपने अंदाज में। सो गेट रेडी फॉर एक्शन गाइस, क्योंकि हम देखने वाले हैं सेनापति जी की कहानी, जो कि अपने वर्म कला से अच्छो अच्छो की बोलती बंद कर देते हैं। वैसे ये कहानी सेट है 90s में, सो प्लीज अंडरस्टैंड, मगर देखने को मिलेगी आपको 90s की खूबसूरती। तोबा तोबा तोबा। अरे यार, ये सब बोलना पड़ता है, वरना लोग पूरी वीडियो देखते कहाँ है। हंसते हंसाते मैं तो पूरी फिल्म की कहानी भी बता देता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बूढ़े सेनापति जी के साथ कहानी की होती है शुरुआत, जहाँ पर सेनापति जी लगा देते हैं एक करप्ट ऑफिसर की वार्ड, क्योंकि वो ऑफिसर मांग रहा था घूस, तो घुसा दिया। दोस्तों, बेसिकली ये कहानी है भ्रष्टाचार से लड़ने वाले क्रांतिकारी की, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा करप्शन था। क्या बोला तूने? अब मतलब अभी भी कम नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं और इंट्रोड्यूस होते हैं चंदू से, जो कि RTO ऑफिस के बाहर पैसे लेकर दिलवाता है ड्राइविंग लाइसेंस। सपना है उसका भी ऑफिसर बनने का, मगर नहीं बन पाया बाय चांस। इसीलिए वो एक ऑफिसर के घर पर नौकरों की तरह काम करके पाना चाहता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी। बाकी तूने 1,24,800 और दिए तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर चंदू। समझ गया ना, रिश्वत नाम की भी कोई चीज होती है यार। आगे दिखाया जाता है कि दंगों में एक आदमी की जान चली जाती है, तो गवर्नमेंट चाहती है पीड़ित महिला को 10,000 देना, और उसी के माध्यम से भ्रष्टाचार की चरम सीमा दिखाई जाती है। तो इसे 100 रुपए घूस दे, 300 रुपए धर दिए। आगे जब उस महिला की बारी आती है तो ऑफिसर मांगता है और घूस, तो फिर क्या बोला कुत्ते साले? मुझे बकौरी कुत्ता, ये कुत्ता। और क्या, पता चल जाता है सेनापति जी को, जिसके पास सेनापति उंगली उठाकर वर्म कला दिखाकर लगा देते हैं ऑफिसर की वाट, मारते हैं उसके पीठ पे लात, और उसके बाद उसको वो पेल देते हैं, मतलब मार देते हैं यार। वो भ्रष्टाचारियों पर कर देते हैं एक्शन, घूस मांगने पर घुसा देते हैं चाकू, क्योंकि यही है भ्रष्टाचारियों को रोकने का सलूशन। यार, ये भ्रष्ट लोगों के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, आगे बढ़ते हैं, इधर घर पर चंदू आता है, देखता है कि उसके घर पर तो नाच चल रहा है, और नचनिया मतलब कि डांसर कोई और नहीं बल्कि सपना है, जो कि उसी ऑफिसर की बेटी है जिससे चंदू को ट्रैफिक इंस्पेक्टर की नौकरी मिलेगी। वो बोलती है चंदू को, आवा हो तनी डांस करा, और जिसके पास तो लहंगा उठा दे रिमोट से। मगर तभी आ जाती है ऐश्वर्या, जो कि चंदू की खुद देख लो यार, ए गर्लफ्रेंड है ना। उसके बाद थोड़ी तू तू थोड़ी मैं, और फिर हीरो मना लेता है, ये भी खुद देख लो यार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनके ही तुमसे शादी करूंगा मैं। समझ गए ना। आगे CBI ऑफिसर कृष्णा स्वामी मर्डर का डेमो देखकर, लेटर्स में लिखे अक्षरों को समझकर, पुराने मार्शल आर्ट्स के टीचर से मिलकर ये कोई बुढ़ा आदमी है ऐसा अंदाजा लगा लेता है, और जिसके बाद भेष बदलकर सभी क्रांतिकारियों से मिलने कृष्णा स्वामी पहुंच जाता है। इन सभी क्रांतिकारियों को मिला था क्रांति के लिए ताम्र पत्र, इसीलिए कृष्णा स्वामी भी क्रांतिकारी के भेष में साइन करवा के पाना चाहता है ताम्र पत्र। लेकिन तभी कृष्णा स्वामी झूठा है जान जाती है सेनापति की वाइफ, और वहीं से फ्लैशबैक चलता है और दिखाया जाता है गुलाम भारतीयों के अत्याचार से भरी लाइफ। दोस्तों, हंसी मजाक सब अपनी जगह है, मगर रियल हीरोज हमारे देश के वो क्रांतिवीर थे जिन्होंने देश के लिए जान देते वक्त अपने मुंह से उप्पी नहीं बोला। ऐसे सभी क्रांतिकारियों को वचन पॉइंट सलाम करता है। आगे बढ़ते हैं, दिखाया जाता है फ्लैशबैक में सेनापति थे उस समय के मोस्ट वांटेड क्रांतिकारी, फिरंगी के सीने में गाड़ दिया था झंडा देखकर अत्याचार से पीड़ित नारी। दोस्तों, उस समय स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने अंग्रेजी कपड़ों का विरोध किया और विदेशी कपड़ों को जलाया, जिस पर अंग्रेजों ने हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया था। अधिकतर महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया था, मगर एक लड़की ने अब तक प्राण नहीं त्यागे थे, जिस पर सेनापति जी कहते हैं, आप किस जाति किस मत की हैं, हिंदू या मुसलमान है नहीं जानता, मैं आपसे शादी करूंगा। इसके बाद आगे चलकर सेनापति सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में भी शामिल होते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, पकड़े भी जाते हैं, बहुत टॉर्चर सहते हैं, और अंततः हमारे देश को आजादी मिलती है। देश की आजादी की कहानी सेनापति की वाइफ कृष्णा स्वामी को सुना ही रही थी कि सेनापति की एंट्री हो जाती है गन पॉइंट पर, लेकर कृष्णा स्वामी गिरफ्तार करना चाहता है सेनापति को, मगर अपने सेनापति ऑफिसर को मार के लात, वर्म कला से लगा देते हैं वाट, बिना हिले डुले कृष्णा स्वामी पकड़ लेता है खाट, जिसके बाद सेनापति और उनकी वाइफ शहर आ जाते हैं और एक मॉर्चुरी वैन खरीदते हैं। सेनापति की जंग में उनकी वाइफ भी अब साथ देती है, क्योंकि यानी दोबारा शुरू हो गई वो पुरानी जंग, समझ गई। इधर अब चंदू भी बन चुका होता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर और पालन करवाता है सारे व्हीकल्स के रूल, लेकिन विडंबना ये है कि वो भी खाता है बहुत घूस, पैसे के चक्कर में दे देता है फिटनेस, पास कर देता है खटारा, मगर अब इसके परिणाम भी भुगतने ही पड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या करेगा बेचारा। आगे उसके फ्रेंड को एक जानवर काट लेता है, तो वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल, और इधर सेनापति जी
भी हॉस्पिटल के डीन को कर लेते हैं किडनैप। मगर नीचे पुलिस थी तो दोनों मियां बीवी अलग हो जाते हैं और पता चलता है कि चंदू कोई और नहीं बल्कि सेनापति का ही बेटा है। इधर सेनापति जी ले जाते हैं डीन को टीवी के सेट पर, जहां भ्रष्टाचार के लिए गाड़ देंगे वो उसके सीने में भी खंजर। मगर डीन कहता है कि उसकी गलती क्या है, उसने ऐसा क्या किया है कि सेनापति उसे मारना चाहते हैं। बट इसके बाद फ्लैशबैक में गांव में सेनापति, उनकी बीवी चंदू और उसकी बहन कस्तूरी बहुत खुशी से रहते थे। मगर चंदू उस समय भी नौकरी पाने के लिए किसी को घूस देना चाहता था। इसका पता चल गया सेनापति को तो दोनों के बीच लड़ाई हो गई, और तो चंदू ने घर छोड़कर शहर आना ही सही समझा। जिसके बाद एक दिन चंदू की बहन कस्तूरी चालू करती है गैस, और भाई की चिट्ठी आने पर बाहर चली जाती है और आकर सीधा स्विच दे दिया तो बूम वो बहुत बुरी तरह से जल जाती है। सेनापति अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां पर उनके साथ चुपचाप 500 रुपए सरकार दो, सब डॉक्टर संभाल लेंगे। हवलदार के हाथ में 250 रुपए दे दीजिए, वो सर्टिफिकेट बनवा लेगा। और कुछ इस तरह रिश्वतखोरी के चक्कर में कस्तूरी बेचारी की मौत हो जाती है। चंदू भी पिता को ही दोष देता है, कहता है कि तुमने मेरी बहन को मरने दिया, 100-200 रुपए दे देते थे तो ये सब कुछ नहीं होता, आज कस्तूरी जिंदा होती। उसके बाद फिर से वर्तमान समय में, जहां पर ये डीन कोई और नहीं वही डॉक्टर है जिसने कस्तूरी के इलाज के लिए घूस मांगा था। तो क्या कैमरे के सामने ही पेल दिया डॉक्टर को, क्योंकि इन सभी लोगों ने किया था। और सब लोगों को चेतावनी देते हुए हिंदुस्तानी दादा कहते हैं, अगर किसी ने रिश्वत ली या दी तो ऐसे ही मार दिया जाएगा। और चित्रहार की जगह इसी का प्रसारण पूरे देश में हो गया, और इसकी वजह से पुलिस नजर रखती है चंदू पर भेष बदल कर, और लोगों ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बढ़ा लिया है हाथ उठाकर, यहाँ तक कि उस विधवा लेडी के भी 10,000 रुपए मिल जाते हैं। आगे वही खटारा बस जिसको चंदू ने किया था पास, पलट जाने की वजह से 40 बच्चों को नहीं है जीने की कोई आस। जब पुलिस ने की तहकीकात तो पता चला चंदू है ऑफिसर जिसने खटारा को किया था पास। जानने के बाद एक्सीडेंट हुआ है खतरनाक, चंदू पहुंच जाता है इंस्पेक्टर के पास, घूस देकर साबित करना चाहता है कि ड्राइवर ने बहुत ज्यादा अल्कोहल किया था कंज्यूम, इसी की वजह से मारे गए सारे बच्चे मासूम। जब पोस्टमार्टम होने वाला होता है तो चंदू अल्कोहल ड्राइवर के स्टमक में इंजेक्ट कर रहा होता है, और वहीं पर सेनापति जी आ जाते हैं और अपनी औलाद की करतूतें देखकर बोलते हैं, मेरे लिए सारे हरामखोर एक जैसे ही है, और अपने बेटे को ही मारना चाहते हैं। मगर तभी हुई इंस्पेक्टर की एंट्री और गिरफ्तार कर लिया जाता है सेनापति जी को। मगर उनका बेटा कहता है ये जिसके बाद मेरा तो खून खोल गया था यार, लेकिन आगे सेनापति जेल से भाग जाते हैं। उनको भगाता है कृष्णा स्वामी ही, क्योंकि बहुत लोग सेनापति को मार देना चाहते हैं। लेकिन सेनापति उनको चकमा देकर पहुंच जाते हैं सीधा घर पर, जहां पर ऐश्वर्या कहती है चंदू को प्लीज छोड़ दीजिए, मेरा सब कुछ चंदू है। मगर सेनापति कहता है कि वो कातिल है बच्चों का और मारूंगा फिर भी, चाहे बेटा मेरा चंदू है। आगे कहते हैं कि कितनी मन्नतें मांगी थी तब जाकर पैदा हुआ था वो, मगर अब वो सिर्फ अपराधी है। तुम सिर्फ प्यार करती हो तो तुम्हें इतना दर्द है, मेरा तो बेटा है, कलेजे का टुकड़ा है वो, मुझे कैसा लग रहा होगा, पर देश से बढ़के कुछ भी नहीं। वहां पता चल जाता है सेनापति को कि चंदू फ्लाइट से बेंगलोर जा रहा है, और क्या फिर पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। जिसके बाद हिंदुस्तानी दादा पुलिस की गोलियों से बचकर कार में उड़ी मारकर रामपुरी निकालकर घुसा देते हैं रामपुरी अपने बेटे की छाती में, जिसके बाद होता है एक जबरदस्त ब्लास्ट और सब कुछ हो जाता है खाक। मगर बच गए होते हैं हिंदुस्तानी दादा, तो फोन करते हैं कृष्णा स्वामी को और कहते हैं आगे से कोई भी अगर घूस मांगेगा तो घुसा देंगे। दोस्तों रिश्वत जो है वो लेना या देना गैर कानूनी है और देशद्रोह भी है, समझ गए ना? मतलब इन चीजों को रोकिए अगर आपके नजरों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो, जो कि अक्सर होता ही रहता है। तो इसी सोशल मैसेज के साथ कहते हैं अलविदा, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।